हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला वाई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू क्लास थर्ड से कंप्यूटर चैप्टर से। इसमें हम तीन चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। चैप्टर वन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टू स्टोरेज डिवाइस एंड कंप्यूटर थ्री एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस टू विंडो बेसिक। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल रहेगा। साथ ही मैं पेरेंट्स से ये भी कहना चाहूँगी, अगर बच्चा आपका थर्ड क्लास में है या फिर ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वह किसी भी क्लास का हो, अगर वो कंप्यूटर ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर जीके पर्पस से कंप्यूटर्स की जानकारी के लिए, यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ 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 इसे आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी टेलीविजन और डी नन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज़ एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी माउस, सी प्रिंटर या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर साउंड इन अ कंप्यूटर, इनमें से हम किसका कंप्यूटर में किसका यूज़ साउंड को स्टोर करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोफोन, बी स्कैनर, सी स्पीकर या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ हम साउंड को रिकॉर्ड या स्टोर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ऑप्शन ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीपीयू। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रेसिंग द की ऑन ए कीबोर्ड इज कॉल्ड, कीबोर्ड पे हम की को प्रेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टाइपिंग, बी राइटिंग, सी रीडिंग या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टाइपिंग। कीबोर्ड से की सहायता से हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे हम टाइपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द आउटपुट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड, आउटपुट ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड, यानी मॉनिटर पे जो आउटपुट हमें दिखता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी, बी हार्ड कॉपी, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट मॉनिटर पे जो हम आउटपुट निकलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, द आउटपुट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड, पेपर पर जो आउटपुट हमें निकलता है जो कंप्यूटर पर हम वर्क करते हैं और उसे हम पेपर पर आउटपुट के रूप में निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, बी सॉफ्ट कॉपी, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर एट, इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसमें से कौन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। ऑप्शन ए रोम, बी रैम, सी डीवीडी और डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रैम। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल को हम रैम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, कंप्यूटर्स में मेमोरी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी थ्री, ऑप्शन सी
4 और ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। कंप्यूटर में मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, ROM रोम और RAM रैम। इन दो भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए बाइट, बी बिट, सी KB और डी GB। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिट। मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती। क्वेश्चन नंबर 11। 1 MB 1 MB इज इक्वल टू 1024 क्या होता है? ऑप्शन ए बाइट, बी KB, सी GB या डी बिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी KB। क्वेश्चन नंबर 12। द विंडो इज अ बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो किस प्रकार का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI, CUI, PUI या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए GUI। विंडो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 13। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू द। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी पॉट या डी रैम। अर्थात कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है? मॉनिटर के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा, पॉट के द्वारा या रैम के द्वारा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पॉट। पॉट के द्वारा कंप्यूटर से इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में पीछे में जो इमेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थीम, बी गैजेट, सी वॉलपेपर या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वॉलपेपर। क्वेश्चन नंबर 15। टू ओपन डेस्कटॉप आइकॉन बाय क्लिक ऑन द आइकॉन। डेस्कटॉप पे जो आइकॉन होता है उसको हम कितने क्लिक से खोल सकते हैं? ऑप्शन ए सिंगल क्लिक से, बी डबल क्लिक से, सी राइट क्लिक से या डी लेफ्ट क्लिक से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डबल क्लिक से। डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे आइकॉन होते हैं उसको हम माउस से डबल क्लिक करेंगे तो वो आइकॉन्स खुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 1 MB 1 MB इज इक्वल टू 1024 क्या होता है? ऑप्शन ए बाइट, बी KB, सी GB या डी बिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी KB। क्वेश्चन नंबर 17। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाज लॉन्च इन ईयर। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2010 में, बी 2015, सी 2018 या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2015 में विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। विच इज अ डेस्कटॉप आइकॉन। इनमें से कौन सा डेस्कटॉप आइकॉन है? ऑप्शन ए स्टार्ट मेनू, बी विंडो, सी रिसाइकल बिन या डी लिनक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप आइकॉन इनमें से रिसाइकल बिन है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।